आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हम जन आधार कार्ड के अंदर नाम, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट कैसे अपडेट कर सकते हैं, मतलब जन आधार कार्ड के अंदर कैसे संशोधन कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर फुल प्रोसेस देखने वाले हैं। तो आपको बता दूँ, मुखिया का नाम हो गया, यहाँ पे सदस्य का नाम हो गया, यहाँ पे आपका जेंडर हो गया, जन्म तिथि हो गया, इसको अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला, आपको ई मित्रा पे जाना पड़ता है, और दूसरा ऑप्शन है आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, वो भी फ्री में। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे दूसरा टैब ओपन करना है। इसके अंदर यहाँ पे आपको SSO ID लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे जो है SSO ID से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो आपको लॉगिन कर लेना है। आपके पास SSO ID नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, और आपको बता दूँ इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बना रखा है कि आप SSO ID कैसे बना सकते हैं। आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास SSO ID है तो हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है हमारी SSO ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। SSO में लॉगिन कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पे आपने नया SSO बनाया होगा, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जन आधार कार्ड का यहाँ पे कोई एप्लीकेशन यहाँ पे आपको नहीं देखेगा। आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से एप्लीकेशन देखेंगे, ये बहुत सारे आपको एप्लीकेशन देखेंगे। यहीं से आपको एक जन आधार कार्ड का एप्लीकेशन सर्च करना है। यहाँ पे आप ऐसे स्क्रॉल करके जो है सर्च कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे क्विक सर्च का एक आइकन दिख रहा होगा, इसके अंदर आप जन आधार कार्ड लिखेंगे तो पहला ही दूसरा या दूसरा पोर्टल आपको नजर आ जाएगा। जन आधार पूरा लिखेंगे तो आपको पहला पोर्टल आ जाएगा। इस पोर्टल को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे इस पोर्टल को ओपन जैसे ही करोगे आप, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है एनरोलमेंट का। हमें दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब दोस्तों, हमें क्या क्या चेंज करना है। मान लो हमें नाम चेंज करना है, हमें जन्म तिथि चेंज करनी है, जेंडर चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, और यहाँ पे बैंक अकाउंट चेंज करना है। तो ये सब करने के लिए, इसके लिए सबसे पहले आपकी जो जन आधार कार्ड की है फैमिली KYC कंप्लीट होनी चाहिए, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये फैमिली KYC सभी की कंप्लीट होनी चाहिए, सभी की। यहाँ पे जिसकी डिटेल्स आप अपडेट करना चाहते हैं, उसकी फैमिली KYC कंप्लीट होनी चाहिए। आपको कौन कौन से जो है काम करने के लिए फैमिली KYC कंप्लीट होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करना हो या फिर बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करना हो, दोनों के लिए हो जाएगा। उसके बाद में नाम चेंज करना हो, जन्म तिथि चेंज करना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आधार कार्ड के अंदर अपना नाम, जन्म तिथि, जो भी आपका जेंडर है वो आपको परफेक्टली सही करवा लेना है। आधार कार्ड के अंदर डिटेल्स आपको सही करवा लेनी है। उसके बाद में आपको कंप्लीट फैमिली KYC के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको रसीद संख्या है आपको दिख जाएगी आपकी। इसके बाद खोजे के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे जो है ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी को पता है 18 वर्ष का कोई व्यक्ति है वही जो है जन आधार कार्ड के अंदर एडिटिंग करवा सकता है, फैमिली KYC करवा सकता है, या फिर जन आधार कार्ड से जुड़ी जो भी आपको यहाँ पे संशोधन कुछ भी करवाना हो तो 18 वर्ष का व्यक्ति चाहिए। हम यहाँ पे एक व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ई KYC आधार के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो है आधार ई KYC वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको ऑथेंटिकेट करवाना है, तो यहाँ पे थोड़ी देर आपको वेट करना है। पे हम OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो है चेक मार्क पे राइट क्लिक करेंगे, जो कॉन्सर्ट है इनका वो एग्री करेंगे, फिर सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में OTP चली जाएगी आधार के साथ, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। मैं यहाँ पे OTP को एंटर कर लेता हूँ। OTP को मैं यहाँ पे एंटर करने के बाद में जो है मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे दोस्तों वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो है आधार ई KYC वाला जो है पोर्टल ओपन हो जाता है। इसके अंदर यदि कोई आपकी डिटेल्स पेंडिंग में है तो यहाँ पे पेंडिंग में आपको दिख जाएगी। और दोस्तों, आपने यहाँ पे KYC कर लिए पहले और आधार कार्ड के अंदर डिटेल्स कुछ रॉन्ग थी, पहले आपने KYC कर लिया और फिर आपने जो है आधार कार्ड अपडेट करवाया है, फिर आपने अपना नाम अपडेट करवाया है, जन्म तिथि अपडेट करवाया है, और पहले आपने KYC कर ली, तो उस केस के अंदर भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अपडेट KYC का। तो आपने आफ्टर मतलब पहले KYC की, उसके बाद में आपने आधार कार्ड के अंदर अपनी डिटेल्स अपडेट करवाई, तो उसके बाद में अपडेट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा आ रहा है कि क्या आप सदस्य जो नाम आ जाता है के लिए आधार का डाटा अपडेट करना चाहते हैं, तो ओके के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ओके को फिर से क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे जो है सेलेक्ट चेक मार्क पे राइट क्लिक करके ई KYC आधार के ऊपर क्लिक करना है, फिर से जो है OTP जाएगी,
आधार के ऊपर ओटीपी को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे मैंने ओटीपी एंटर कर लिया, अब ओटीपी मान्य करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे आधार कार्ड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो यहाँ पे आ गया नो चेंज फाउंड इन आधार कार्ड। आपका यहाँ पे जो है आधार कार्ड के अंदर कुछ चेंज होगा तो यहाँ पे जो है डिटेल्स आपकी दिख जाएगी, प्रीव्यू दिख जाएगा कि पहले आपके जन आधार कार्ड के अंदर ये डिटेल्स थी और बाद में अब जो आप अपडेट करोगे वो ये है, अब अपडेट ये होगी जन आधार कार्ड के अंदर। तो उसके बाद में जैसे ही आप अपडेट करोगे तो वैसे ही आपकी इंस्टेंट नहीं वो जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका एक 4 नंबर पॉइंट भी लिखा हुआ है कि आधार केवाईसी के उपरांत जो फोटो है, नाम है, जेंडर है, यहाँ पे जन्म तिथि है, वो आधार में उपलब्ध जो भी सूचना होगी उसके आधार पर जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट कर दी जाएगी, जिसे सत्यापन के पश्चात जो भी सत्यापन के बाद पुनः जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं किया जा सकता। तो आपको बता दूं अभी सत्यापन नहीं होता है, अभी ऑटोमेटिकली जो है ऑटोमेटिकली आपकी केवाईसी हो जाती है, ऑटोमेटिकली जन आधार कार्ड के अंदर सारी चीज़ें अपडेट हो जाती है। जो भी 5 वर्ष से छोटा है उसकी केवाईसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही अपडेट का। इसके बाद में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करेंगे, तो मोबाइल नंबर के लिए आपको ई केवाईसी आपने कंप्लीट की, इसके बाद में सिटीजन एडिटिंग का एक ऑप्शन मिलता है, इसी के ऊपर जाके आप मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। खोजे के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में उस सदस्य को सेलेक्ट करेंगे जिसे आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं, फिर से ओटीपी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे। यहाँ पे मैं ओटीपी एंटर कर लेता हूँ, ओटीपी आ चुकी है मेरे आधार कार्ड, जो भी आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, मैं ओटीपी यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेरीफाई वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। वैलिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा आधार जन आधार कार्ड। अब दोस्तों आपको बता दूं, आपको कोई भी सदस्य की डिटेल्स अपडेट करनी है तो आपकी मुखिया की डिटेल्स पूरी की पूरी अपडेट होनी चाहिए, मुखिया की ई केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। यदि मुखिया की ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। अब यहाँ से बैंक अकाउंट चेंज करना है तो यहाँ से आप बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं, कोई भी बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो यहाँ से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में किसी सदस्य की डिटेल से करनी है अपडेट, यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे सेव करना है, फिर सदस्य एडिटिंग के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, उस सदस्य को सेलेक्ट करना जिसको आप एडिट करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करना है, यहाँ पे डाल दीजिए मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पे डालने के बाद में ओटीपी डालनी पड़ती है, और यहाँ पे बैंक अकाउंट नाम सेलेक्ट कर दीजिए, जो भी आपका नाम है वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद में ब्रांच ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद में पहले अपडेट के ऊपर क्लिक करना, फिर वेरीफिकेशन के ऊपर क्लिक करना। कई बार क्या करते हैं, कई लोग वेरीफिकेशन के ऊपर पहले क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे सदस्य है जो सदस्य का तो कोई भी डाटा अपडेट नहीं होता है, जो कि मुखिया का अपडेट हो जाता है। तो आपको पहले अपडेट फिर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, अपडेट वाला हाइड हो जाए यहाँ से, फिर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो यही है जो प्रोसेस है इसके अंदर कि मुखिया का नाम, किसी नाम हो गया, जन्मतिथि हो गया या जेंडर हो गया कैसे चेंज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट कैसे चेंज कर सके, मतलब जन आधार कार्ड संशोधन कैसे कर सकते हैं, उसका आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल गया होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।